नमस्कार दोस्तों, सीखो सिखा चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं तुलसी माथो और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है ड्रॉप शैडो टूल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ड्रॉप शैडो टूल होगा, इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे। और वीडियो पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जब कभी मैं YouTube पे नए वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे WhatsApp की नोटिफिकेशन आती है ना, उसी तरह आपके पास YouTube की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ड्रॉप शैडो आपके पास है, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, कोई भी शेप पे ही जो हम लोग शैडो डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसे कलर से फिल किया। अगर आप कलर से फिल नहीं करते हैं तो ये देखिए ड्रॉप शैडो, या अभी देखिए मैं दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ड्रॉप शैडो आ तो रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही कलर डालेंगे ना तो देखिएगा आप, तो ये देखिए बन के तैयार हो गई हमारी शैडो। आप चाहें इसे जिस तरह आप यूज कीजिए, जहां पे वो शैडो आपको डालना है, यहाँ पे शैडो डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मैं देखिए इलिप्स टूल लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने ड्रॉ किया और इसे रेड से फिल कर देता हूँ, या कोई भी और कलर से भी आप फिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉप शैडो पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको जहां चाहिए वो शैडो, ये देखिए दाएं बाएं अप डाउन जिस भी साइड क्लिक कर दीजिए, वो शैडो बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रीसेट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट कोरल ड्रॉ हमें, तो आपको जिस स्टाइल पे चाहिए यहाँ पे देखिए वो स्टाइल यहाँ पे दी गई हुई है, ये देखिए जो भी मान के चलिए ये आपको ठीक लग रहा है ये, ठीक है, तो बस उस पर क्लिक कर दीजिए, वही जो स्टाइल है ये यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब आप खुद से जो क्रिएट किए हुए हैं अगर उससे सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से, और अगर आपको चाहिए कि ये जो स्टाइल है, ये जो शेडो है, ये मुझे आगे जाके और भी कुछ शेप्स पे टेक्स्ट पे ये चीज डालना है तो आप उसे सेव करके रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस जो दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए, जैसे मैं 0101 करके सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ नया ले लेता हूँ, ठीक है, उसे कलर से फिल कर देते हैं और यही इफेक्ट हमें चाहिए, तो बस वहाँ पे हमें जाना है, सबसे पहले शैडो टूल सेलेक्ट कर लेना, वहाँ पे जाना है, ये देखिए 0101 हमारे पास अवेलेबल है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ जाती है, वो जो शैडो है ना वो आ जाती है। ओके, अब इसे देखिए हम लोग अभी तो क्लिक करके यूज कर रहे हैं, वही चीज अगर आपको यहां से करना है तो आप उसे यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो मैं तो यूज करता हूं, बस क्लिक करता हूं जिधर चाहिए बस उधर लेके चला जाता हूं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको जो चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे देखिए इस पे जो है ये चीज ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं लेकिन इस पे आ रहे हैं, ये इसलिए, ठीक है, यहाँ इस पे भी देखिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हाइड आ रहे हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन। एक्चुअली ये जो है वो एंगल के लिए है, ठीक है, एंगल क्या, एक्चुअली ये देखिए थोड़ी सी अगर हम लोग टेढ़ी कर देते ना, टेढ़ी जो एंगल चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी उसी पे जो है ये चीज लागू आएंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए उसी पे ये चीज आएंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो है ड्रॉप शैडो एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सेकंड जो है वो है ड्रॉप शैडो स्ट्रेच, एक्चुअली ये देखिए इसे फैला देती है, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है फैट दिया हुआ है, तो ये देखिए फैट क्या करती है, धीरे धीरे आप ओपेसिटी क्या है उसकी कम कर देगी, ये देखिए। ओके, तो ये फैट है, इस साइड से धीरे धीरे कलर कम कर देगी, खैर इसे जीरो ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ओपेसिटी, ओपेसिटी देखिए यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं, ये देखिए अब जीरो मैंने कर दिया, या फिर आप यहाँ पे देखिएगा ये जो लाइन है ना इसे ड्रैग करके भी आप ले जा सकते हैं और वही देखिए यहाँ पे आपको घटते बढ़ते नजर आएगा। ओके, फिर यहाँ पे दिया हुआ है
शेडो फैदरिंग का, तो इसे हम लोग इंक्रीज करके दिखा देता हूँ क्या होती है। ये देखिए एक ब्लर जैसी हो जाएगी, यहाँ पर धुंधली जैसी हो जाएगी, देखिए। ओके तो यही चीज है इस पे। चलिए इसे वन ही कर देते हैं, वन कर देते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है फैदरिंग डायरेक्शन का, तो इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं इनसाइड। देखिए तो यहाँ पे इस पे आपको पता नहीं चलेगा, इस पे मैं आपको बता देता हूँ इनसाइड। तो देखिए ये इनसाइड जैसी हो गई ये इफेक्ट, ये देखिए शैडो। फिर यहाँ पे मिडिल करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपके पास आ जाती है आउटसाइड पे, ये इस तरह से शैडो आ जाएगी, और एवरेज पे इस तरह से, ठीक है। एवरेज पे ये जो आइकॉन देख रहे हैं ये शो नहीं होगी, आप किसी और पे क्लिक कर लीजिए जैसे इनसाइड पे, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शंस फेदरिंग एज जो है आ जाएगी। चलिए इनर पे देखिए इस तरह से आपके पास आ जाते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है, इनवर्स स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्लैट दिया हुआ है, ये एकदम आपका ये सीधा साधा है, ठीक है। तो ये देखिए आपको जो चाहिए आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कलर दिया हुआ है, आप चाहे तो ये जो ब्लैक कलर है इसे चेंज करके आप कोई भी और कलर कर सकते हैं, ठीक है। शैडो की जो कलर है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मर्ज मोड दिया हुआ है, तो यहाँ से भी देखिए, अगर आप मेरे फोटोशॉप के वीडियो ट्यूटोरियल देखे होंगे तो इसके बारे में फोटोशॉप पे बताया हुआ है। ओके तो इस पे जो है यही चीज है, और अगर आपको ये शैडो नहीं चाहिए तो बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो गायब हो जाएगी, ये देखिए। चलिए कंट्रोल प्लस ए करते हैं, सारे को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। एक टूल पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट। अब यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीखो सिखाओ। ये जो टेक्स्ट है, अगर आपको इस टेक्स्ट की शैडो चाहिए तो सबसे पहले टेक्स्ट लिख लीजिए, आपको जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट ले लीजिए, ठीक है। कलर भी फिल कर सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी है। फिर आपको आना है ड्रॉप शैडो पे, ड्रॉप शैडो पे आने के बाद आप क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, एक सेकेंड, क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, थोड़ा नीचे में कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए आपके पास उसकी शैडो आ जाती है। ओके आप चाहें तो इसकी कलर यहाँ से तो चेंज कर ही सकते हैं, ये देखिए सोनी कर रहा हूँ, नॉर्मल कर देंगे, यही देखिए। ओके ये सब सारा चीज़ तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट भी ले सकते हैं। ओके ये देखिए, यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आपको जो पसंद हो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके और आप चाहें तो ये जो शैडो है ना इसे अलग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे आना है और यहाँ पे देखिए ब्रेक ड्रॉप शैडो ग्रुप अपार्ट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के, बस प्रेस कर दीजिए, पिक टूल ले लीजिए, और अब देखिए ये जो शैडो है ये अलग हो गई है और ये जो टेक्स्ट है ये अलग हो गई है। अब आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं। ओके तो ये था आज का मेरा वीडियो शैडो पे, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।